Good morning, students. Welcome to the online teaching. Today we will start our EVS lesson, Plants Around Us. Plants mean पेर पौधे, around mean हमारे आले दुआले. Means आज हम plants के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आले दुआले आस पास होते हैं. Plants क्या हमारे पूरे world में होते हैं. Plants के कारण ही क्या है हमारा environment clean रहता है. Plants से ही हमें breathing, सांस लेने के लिए oxygen मिलती है. Without oxygen we can't survive. और प्लांट से ही हमें क्या है खाने को फूड मिलता है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर बॉडी. सो प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. दे हैव ऑलवेज दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन अवर लाइफ एज वी डिपेंड ऑन देम फॉर अवर बेसिक नीड्स. प्लांट्स लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट पार्ट्स. प्लांट्स क्या पूरे वर्ल्ड में है लिविंग थिंग्स. आई मीन सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं. और क्या इसी पे क्या है हमारी लाइफ पर डिपेंड होती है. और क्या है डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. पूरा प्लांट्स की डिफरेंट शेप्स होती है, साइज होती है, लाइफ होती है इनकी कितनी देर तक रहते हैं और इनकी अपनी अपनी फीचर्स मीन विशेषताएं क्वालिटीज होती हैं. तो हाँ आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट्स. मीन कौन से टाइप्स के प्लांट्स होते हैं, उनको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो फर्स्ट वन इज ट्रीज. बेर टोल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. मीन जो साइज में लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम ट्रीज. और इनकी क्या है और ये शेप और हाइट में भी क्या है डिफरेंट होते हैं. जैसे कि कोकोनट ट्री एंड मैंगो ट्री देख सकते हो पिक्चर में एंड बनियन ट्री. दीज आर अ ट्रीज. नेक्स्ट है आप हमारे आसपास भी होती है ये सब कॉमन ट्रीज है सभी. नेक्स्ट है श्रब्स. शॉर्ट एंड बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. मीन्स साइज में छोटे होते हैं और झाड़ियों के जैसे होते हैं दिखने में उनको क्या बोलते हैं श्रब. दे हैव हार्ड थिन एंड बुडी स्टेम्स. इनकी हार्ड थिन बुडी तने होते हैं लाइक रोज सनफ्लावर फ्लावर्स. दीज आर श्रब्स. नेक्स्ट है हमारा हर्ब्स. प्लांट्स आर स्मॉल एंड सॉफ्ट स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. दे हैव बीन ग्रीन फ्लेक्सिबल स्टेम फॉर एग्जाम्पल मिंट कोरिएंडर स्पिनिच. जड़ी बूटियां जैसे कुदरती उसको क्या बोलते हैं हर्ब्स होती है. और हमारे घर पे भी होती है ये तो मिंट मीन पुदीना धनिया पालक. दीज आर हर्ब्स. और ये साइज में क्या होते हैं छोटे होते हैं और नरम होते हैं सॉफ्ट होते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्लिम्बर्स. क्लिम्बर्स है वीक स्टेम जो इसका तना स्टेम मीन तना जो इसका तना होता है वो वीक होता है पतला होता है. दे क्लाइंब अप टेकिंग द सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट्स स्टिक और वोल्ड्स फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट स्वीट पी. जो क्लिम्बर्स होते हैं उनका तना वीक होता है और ये खुद से क्या है कहीं भी ऊपर नहीं बढ़ सकते. जैसे कि वेल होती है वैसे होते हैं ये. इनको क्या किसी का सपोर्ट चाहिए कि आगे बढ़ने के लिए ऊपर चढ़ने के लिए. नेक्स्ट वन है क्रीपर्स. प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. जो धरती के साथ होते हैं नीचे होते हैं लाइक मैंगो और दूसरे ट्रीज की तरह ऊपर नहीं लगते फ्रूट्स नीचे रहते हैं धरती से टच होकर मिट्टी से उसको क्या बोलते हैं हम क्रीपर्स. वेल लाइक जैसे कि पंपकिन वाटरमेलन क्यूकम्बर दीज आर क्रीपर्स. पंपकिन वाटरमेलन क्यूकम्बर नीचे ही लगते हैं जो अर्थ से टचिंग में टच में ही रहते हैं तो दीज आर अ क्रीपर्स. So they are the types of tree. See trees, types of plants are trees, shrubs, herbs, climbers and creepers. Next one is plant habitats. Means जहाँ पे plants रहते हैं हमारे आले दुआले उसको क्या बोलते हैं habitats. The surrounding in which plants live is called their habitat. The adjustment of plants according to the surrounding is called adaptation. मीन्स प्लांट्स हम एक जगह दूसरी जगह प्लांट्स लगाते हैं उनका वेदर अकॉर्डिंग का वेदर क्या है कंडीशंस क्या है वाटर अकॉर्डिंग चेंज होती है तो इसीलिए क्या जहाँ भी रहते हैं हम उसको लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या है खुद को डाल लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अडेप्टेशन. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. प्लांट्स दैट ग्रो इन प्लेन माउंटेन डेजर्ट फॉरेस्ट आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. मीन ऐसे पेड़ पौधे जो प्लेन्स एरिया में माउंटेन्स में डेजर्ट में मारुथल में जंगलों में उगते हैं उसको क्या बोलते हैं हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स.
फर्स्ट वन इन प्लांट्स इन प्लेन्स, मीन जो प्लेन एरिया में, समतल एरिया में प्लांट्स होते हैं, उनको क्या था, इनको क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट चाहिए। अच्छा सा टेम्परेचर होना चाहिए, सन की रोशनी, पानी, हवा अच्छे से मिलनी चाहिए। दे कैन सर्वाइव इन बोथ समर एंड विंटर। और ये प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये समर गर्मियों में भी सर्दियों में भी सर्वाइव कर लेते हैं। एग्जाम्पल आर मैंगो, बनियन, पीपल, नीम आर सम कॉमन ट्रीज दैट ग्रो इन प्लेन्स एरियाज। ये क्या होते हैं, कॉमन ट्रीज है जो हमारे इधर आस पास भी होते हैं, इट्स वेरी कॉमन ट्रीज। और ये कहाँ ग्रो करते हैं, प्लेन्स एरिया में। नेक्स्ट वन है हमारा प्लांट्स इन माउंटेन। द ट्रीज ऑन प्लांट्स आर यूजली वेरी टॉल एंड स्ट्रेट। जो प्लांट माउंटेन में पहाड़ों में होते हैं वो क्या साइज में बहुत लंबे होते हैं और सीधे होते हैं एकदम। और इनकी शेप कैसे होती है, कोन की तरह होती है, जैसे कि आइसक्रीम का कोन है, आप उसको उल्टा करेंगे तो क्या वैसी शेप होती है इन ट्रीज की, स्ट्रेट एंड टॉल। फॉर एग्जाम्पल आर पाइन, फिर सीडर्स आर माउंटेन प्लांट्स। नेक्स्ट वन इज प्लांट इन डेजर्ट, मीन्स जो मरुस्थल में प्लांट उगते हैं वो कैसे होते हैं, दे हैव फ्यू और नो लीव्स, इनकी कुछ के पत्ते होते हैं और कुछ के नहीं होते। और इन्हें एक कैपेबिलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर स्टोर कर लेते हैं। सेवरल प्लांट्स हैव स्पाइन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बीइंग ईटन बाय एनिमल टू स्टॉप लूज ऑफ वाटर फ्रॉम देम। कैक्टस एंड डेट पाम आर डेजर्ट प्लांट्स। पिक्चर में देख सकते हो आप पेज नंबर 27 पे पिक्चर दी गई है डेजर्ट एंड स्टेट प्लांट की, दीज आर द डेजर्ट प्लांट्स। नेक्स्ट है एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर में वो ग्रो करते हैं, पानी में, उनको क्या बोलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स। दीज कैन बी फाउंड इन लेक, पॉन्ड्स, सीज, ओशन। ये फ्लावर जो प्लांट्स होते हैं हमें कहाँ मिलते हैं, लेक में, पॉन्ड्स में, झरनों में, समुंदर में, ओशन में, महासागर में दिखाई देती। फॉर एग्जाम्पल्स आर लोटस, हाइड्रिल आर द एक्वाटिक प्लांट्स। सो दिस इज योर टुडेज लेसन अबाउट प्लांट्स। टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, टिम्बर्स, क्रीपर्स। फाइव टाइप्स होती है जिनमें क्या है प्लांट्स को डिवाइड किया गया है। और प्लांट्स हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या है, इनको भी टेरेस्ट्रियल के प्लांट्स के अकॉर्डिंग इनको भी फोर टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लाइक प्लांट्स इन प्लेन, इन माउंटेन, इन डेजर्ट एंड एक्वेटिक प्लांट्स। सो आप सभी को क्या करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स ग्रो करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरमेंट एंड अवर हेल्थ, बिकॉज इसी से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है और फूड मिलता है। और प्लांट्स क्लींस अवर एनवायरमेंट। सो सेव प्लांट्स, सेव अर्थ एंड ग्रो मोर प्लांट्स। थैंक यू।